कृष्णा और फल विक्रेता। एक दिन कृष्ण बलराम और अपने दूसरे साथियों के साथ खेल रहे थे। फल ले लो, फल, ताजी ताजी फल। तभी उन्होंने गली में से औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। केला, सेब, अनार, फल ले लो, फल, अच्छे अच्छे फल, ताजे ताजे फल, जल्दी आओ ले लो। कृष्ण तुरंत ही कुछ फल खरीदना चाहते थे। जब फल बेचने वाली ने कृष्ण को देखा तो वो उनके आश्चर्यचकित सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गई। मुझे फल खाने, मुझे फल दो ना। इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कृष्ण कुछ फल खरीदना चाहते थे परंतु उनके पास मुद्रा नहीं था। फल बेचने वाली द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा एक बड़ा अनाज का ढेर पास में रखा है। उन्होंने अपने हाथों की छोटी सी मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लिया और गली की ओर चल पड़े। इसमें तो अनाज ही नहीं है। उन्होंने अपनी मुट्ठी को देखा और देखकर आश्चर्य हो गए। अनाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो फल लेना चाहते थे। फल बेचने वाली ने कृष्ण को देखा और कहा, मगर मुझे माँ कहो और मेरी गोदी में बैठ जाओ तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो फल दे सकती हूँ। कृष्ण ने इधर उधर देखा कि कोई तो नहीं है। फिर तुरंत ही उनकी गोदी से उतरकर अपनी मांग रखी। फल बेचने वाली धन्य हो चुकी थी क्योंकि कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। वो उन्हें सब कुछ देना चाहती थी, अपने सारे फल। ये लो तुम्हारे मनपसंद फल। अपनी छाती से सारे फलों को समेटकर वो नाचने लगी। जब फल बेचने वाली अपने घर गई और उनके अपनी टोकरी में देखा तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि पूरी टोकरी सोने और रत्नों से भरी थी। कृष्ण का ये चमत्कार प्रदर्शित करता है कि प्रेम और श्रद्धा से उन्हें जो कुछ भी देता है उसे हजार गुना ज्यादा प्राप्त होता है।